तो आप देख सकते हैं वाकई में क्या शानदार दिख रही थी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल थीम्स है इसको आप एनेबल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी थीम यूज करते करते बोर हो चुके हैं, जो कि लिमिटेड थीम जो आपको मिलता है। तो जैसे अगर हम लोग थीम्स पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बेसिक थीम्स हैं जो कि सब लोगों को ही एक्सेस मिला हुआ है। तो आप लोग ये सब यूज करते करके बोर हो गए होंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एजुकेशनल थीम्स को यूज कर सकते हैं और वो भी बहुत ही शानदार दिखता है। तो चलिए बताता हूँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आप विंडो और आई बटन प्रेस करें। जैसे ही विंडो प्लस आई बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ सिस्टम पे आ जाते हैं, और नीचे अगर गए तो यहाँ पे अबाउट का एक ऑप्शन मिलता है, और अबाउट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपका एडिशन जो है ये विंडोज 11 का 22H2 होना चाहिए, तब जाके आप ये जो मैं बताने वाला हूँ इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देते हैं, और फ्रेंड्स अब आपको प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जैसे ही विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है रे एडिट। जैसे ही रे एडिट लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्री एडिटर, और आपको यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एचकी लोकल मशीन आ गया हुआ है। अब यहाँ से आपको जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर आ जाना आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर आपको मिलता है पॉलिसी मैनेजर। तो पॉलिसी मैनेजर नीचे सर्च कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा पॉलिसी मैनेजर। पॉलिसी मैनेजर के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ करंट आता है, करंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइस के एक ऑप्शन आता है। अब डिवाइस पे राइट क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ न्यू एक ये ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करके हम लोग की पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही की पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना है एजुकेशन, और आपको एंटर हिट कर देना है। तो जैसे ही आप एजुकेशन लिख के एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एजुकेशन नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब आपको फिर दोबारा से इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी वर्ड 32 बिट वैल्यू। तो यहाँ पे 32 बिट वैल्यू जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको नाम देना है एनेबल एडी थिंग्स, और आपको एंटर हिट कर देना है। अब हिट करने के बाद इस पे आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ जो इसका वेस जो वैल्यू डेटा है ये आपको 1 करना है। 1 करके आपको ओके कर लेना। अब ओके करने के बाद आपको बस दो काम करना है, आपको अपना जो पीसी है रिस्टार्ट करना है और नेट के साथ कनेक्ट रखना है। जब आप रिस्टार्ट करके जो नेट के साथ अगर कनेक्ट रखेंगे तो उसके बाद से आपको जाना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में जाके आप देखेंगे थोड़ा देर के बाद जो है थीम डाउनलोड हो गया हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। 5 hours later. सो फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर चुका हूँ। अब सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं नेट से कनेक्ट किया था, तो नेट से कनेक्ट करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जितने जो है थीम्स और भी एक्स्ट्रा थीम्स आ चुके हैं। और सिंपली अगर आपको और भी एक्स्ट्रा देखना है तो थीम्स पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपली मैं एक सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कैसे दिख रही थी। तो आप देख सकते हैं वाकई में क्या शानदार दिख रही थी। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेशनल थीम्स हैं इसको आप एनेबल कर सकते हैं, और वो भी आसानी से, और वो भी बहुत ही शानदार दिखेगा। और आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा भी और ट्राई करता हूँ, मैं पर्सनलाइज पे या फिर से, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एक लाइट मोड वाला थीम अप्लाई करता हूँ। और जैसे ही लाइट मोड वाला थीम अप्लाई किया तो आप देख सकते हो वाकई में बहुत लाजवाब लग रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग थीम्स पे गए, अब यहाँ एक ये है, ये भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं। तो इस पर भी अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट किए, ये डार्क थीम था, और वाकई में ये बहुत ही शानदार लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा कि आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप भी विंडोज 11 22H2 अगर वर्जन इंस्टॉल्ड है अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में, तो आप प्लीज़ ये ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।